A very happy good morning everyone. और आज का हमारा वर्कआउट बहुत ही बिगनर फ्रेंडली होने वाला है क्योंकि मैं आपको सिखाने वाली हूँ काफ रेजेस। ये बहुत ही सिंपल वर्कआउट है, इनफैक्ट ये एक ऐसा वर्कआउट है जो आप अपने चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। आई नो यू ऑल हैव दोज लॉन्ग वर्किंग आवर्स जब अपनी स्क्रीन के सामने आप घंटों बैठे रहते हैं, तब भी अपनी चेयर्स पे बैठ के आप काफ रेजेस कर सकते हैं। ये इतना अमेजिंग वर्कआउट है, तो आइए हम चलते हैं और शुरू करते हैं काफ रेजेस। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी बेसिक फॉर्मेट ऑफ काफ रेजेस। काफ रेजेस के बेसिक फॉर्मेट के लिए आप अपने पंजों को अपने हिप्स के नीचे रख के सीधा खड़े हो जाएंगे और जब भी आप अपने हील्स को ऊपर उठाएंगे तो कोशिश करेंगे कि आपकी अपर बॉडी स्टेबल रहेगी, मतलब आप आगे की तरफ झुकेंगे नहीं। लेट मी शो यू दिस फ्रॉम द साइड। आपके हिप्स और आपके पंजे अलाइन रहेंगे, आप कोर को टाइट करके रखेंगे, आगे की तरफ झुकेंगे कि नहीं, सिर्फ अपने पंजों के ऊपर उचकते हुए अपनी हील्स को मैट से ऊपर लेकर जाएंगे इस तरह से। एक बार आप ऊपर आएंगे तो उसके बाद अब आप सिर्फ नीचे जाएंगे, अपनी हील्स को मैट पे रखेंगे नहीं, देयर इज नो रेस्टिंग पोजिशन। फिर वापस ऊपर, फिर नीचे, फिर वापस ऊपर, फिर नीचे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वैसे तो इतनी सिंपल मूवमेंट है लेकिन इतना ज्यादा मस्कुलर पेन क्यों हुआ? क्योंकि ये हमारा बेसिक मसल ग्रुप है। आप सोचिए, आपकी एंकल मोबिलिटी के लिए भी और इनफैक्ट आपके टेंडन्स को भी स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव मूव है। अब ये था बहुत ही बेसिक फॉर्मेट, अब मैं आपको सिखाऊंगी वेरिएशन फॉर्मेट। सो ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों का इसमें बैलेंस इतनी जल्दी नहीं बनता है एंड यू टेंड टू फॉल बैक और फॉरवर्ड। तो आप क्या करेंगे, आप एक चेयर को लेंगे या आप वॉल का भी यूज कर सकते हैं, बट रिमेंबर ये सिर्फ एक प्रॉप है। आपको इसके ऊपर सपोर्ट के लिए हाथ रखने हैं, अपनी पूरी स्ट्रेंथ नहीं लगानी, आपकी स्ट्रेंथ रहेगी यहाँ पर। तो अपने हाथों को हल्का सा चेयर पे या वॉल पे रखेंगे और फिर उसी इफेक्टिवनेस से काफ रेजेस करेंगे। आपका उतना ही स्ट्रेंथ यहाँ लगना चाहिए, ये हाथ आपका 1% स्ट्रेंथ भी नहीं लेंगे। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Like I said, it's very effective. Bahut jaldi you can feel that entire muscle, you know, burning and you can also feel ki bas इसके बाद क्रैम्प आ जाएगा, इसके बाद आई विल नॉट बी एबल टू डू इट। अब हम इसका एक इंटेंसिफाइड फॉर्मेट करें, उसके लिए आप अपने हील्स को थोड़े से रेज प्लेटफॉर्म पे रखेंगे। जैसे मैंने ये एक वेट प्लेट ली है, मैंने अपने पंजों को और ऊपर उठा दिया, अब मेरे हील्स स्ट्रेट लाइन की जगह और नीचे जाएंगे और फिर और ऊपर आएंगे, सो दे विल हैव फर्दर प्लेस टू गो डाउन। और इनफैक्ट आप इस मूव को बड़ी आसानी से कहाँ कर सकते हैं, अपने घर में स्टेयर्स पे, सीढ़ियों में। सिर्फ अपने पंजों को सीढ़ी के ऊपर रखेंगे और उसके बाद अपनी हील्स को पूरा नीचे छोड़ेंगे और फिर पूरा ऊपर उठाएंगे, फिर पूरा नीचे छोड़ेंगे, फिर पूरा ऊपर उठाएंगे, नीचे ऊपर, इस तरह से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। आई नो अगर मेरे साथ ये कर रहे हैं तो अभी तक थर्ड सेट में जान निकल गई होगी। 16, 17, 18, 19 and 20। और ये थे हमारे बेसिक काफ रेजेस। तो कैसा लगा आपको काफ रेजेस एज अ वर्कआउट फॉर्मेट? बहुत बेसिक है, बिगनर फ्रेंडली है और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए इसके लिए और कोई भी इक्विपमेंट भी नहीं चाहिए। तो अब ये तो एक ऐसा वर्कआउट है जो आप हर दिन कर सकते हैं, इनफैक्ट आप मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों टाइम कर सकते हैं। एंड प्लीज़ अपना नंबर 50 to 60 तो रखेंगे ही, मतलब 50 to 60 से तो स्टार्ट ही करेंगे एंड देन स्लोली इंक्रीज द नंबर एज यू गेन मोर एंड्योरेंस एंड स्ट्रेंथ। कीप रॉकिंग।